नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जून में। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें झारखंड जीके और सामान्य जीके दोनों शामिल हैं। तो ये जेपीएससी के एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है? तो इसका आंसर लगभग सभी लोग को पता होगा, इसका आंसर जगह मसूरी। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? इसका आंसर हो जाएगा 8 बांध। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, तो राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या होता है? राज्य का सचिवालय। लोकसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 575 अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति, तो ऑप्शंस के हिसाब से इसे चूज करना है, तो एक वर्ष में नहीं बल्कि 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, संसद द्वारा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, तो कब करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सरकार संघीय प्रणाली की है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए संघीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो मैं बता देती हूँ कि देखिए, संघीय प्रणाली में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। जैसे हमारे देश में भी है, केंद्र सरकार पर है और राज्य स्तर पर है। हमने विकेंद्रीकरण को और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाते हुए पंचायतों को भी ऐड किया है, तो ये हो जाएगा एक लक्षण, तो ये हो ही जाएगा। संघीय विधायिका का लक्षण है कि द्विस्तरीय है यहाँ पे विधायिका। दूसरा है एकल नागरिकता के विद्वान, ये नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता नहीं होती है ये, संघीय सरकार में जो होती है दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, लेकिन हमारे देश ने एकल नागरिकता अपनाया हुआ है। दूसरा है सर्वोच्च होता है संविधान, तो ये सही है। संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है और जितनी भी शक्तियों का बंटवारा होता है संविधान के आधार पर होता है। साथ ही न्यायपालिका भी दोहरे स्तर की होती है, लेकिन हमने एकल स्तर पर ही न्यायपालिका को अपनाया है, लेकिन ये स्वतंत्र है, तो इसके आधार पर इसे भी हम टिक कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामिनी कोह की स्थापना का घोषणा कब की गई थी? 1824 ईस्वी में। भारतीय रक्षा सेनाओं की सुप्रीम कमांडर कौन है? तो अभी वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी है, इसका आंसर वैसे होता है भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी, ये मत सोच लीजिएगा आप। भारत का राष्ट्रपति भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय कितना है? 52 सेकेंड। निम्नलिखित में से किसको रैमन मैक्सेस पुरस्कार 2005 ईस्वी में मिला था? तो ये 2006 का प्रश्न है, इसलिए 2005 का पूछा है, इसे आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। वी शांत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इसे पोप का सिटी भी कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? आंसर है संघाई, चाइना में है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। देखिए, जनसंख्या के मामले में पहले चीन था सबसे आगे, लेकिन फिर भी 18 साल से अधिक उम्र के नौजवान जो है सबसे अधिक भारत में है, यानी कि मतदाताओं वाला देश सबसे अधिक कौन है? भारत। और अभी वर्तमान समय में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में और ये प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आप बिल्कुल जो लेटेस्ट है उसे ध्यान में रखिए, 13वां हुआ था बांग्लादेश में।
वर्तमान समय में कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, उसे जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है 37वां नंबर सवाल, भारत रत्न से विभूषित पहला विदेशी कौन है? तो यह हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। ये स्वतंत्रता संघ सेनानी भी थे और लाल कुर्ते का संगठन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 2010 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पहला सॉरी ऑप्शन हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु से होता है और साथ ही निमोनिया भी है, ये जीवाणु से होता है। तो उस आंसर हम क्या मारेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी पे जाइए आप। नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल, 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण किस राज्य में? काफ़ी इजी सवाल है, ये गुजरात में है। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा CV रमन को। यूरिया खाद से पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सब्जियों की कृषि के लिए व्यवहित है? तो ओलेरी कल्चर में जो है सब्जियों की कृषि का अध्ययन से संबंधित है, और एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन, सिल्वी कल्चर हो जाएगा रेशम कीट पालन। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो खनिज देख दो तरह के होते हैं, एक धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है और अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको पता है सोना धातु है, टीन मैगजीन भी, तो ये सब कट जाएगा, आंसर हो जाएगा जिप्सम। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर हो गया सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? हमारा सूर्य, यानी सौर्य, सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? तो प्रत्येक जीवधारी जो है अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ये जीवधारियों की एक मूल विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र यानी वीनस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सही संयोजन कौन सा है? डायनामाइट, डनलप, टाइपराइटर, रेमिंगटन, विकासवाद डार्विन, वायुयान हार्वे। तो आपको पता होगा कि विकासवाद जो है डार्विन से संबंधित है, डायनामाइट का नोबेल से अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था, टाइपराइटर का मुझे नहीं पता, वायुयान आपको पता होगा राइट ब्रदर्स। तो इसका आंसर क्या है विकासवाद जो है सही है, बाकी सारे गलत है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी जी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखते हैं 49 हो गया, 50वां नंबर सवाल देखते हैं, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना वन आवरण जो है न्यूनतम प्रतिशत क्या है? 33। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ जैसे कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा, तो इससे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से यकृत। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? तो नरगिस, नरगिस दत्त जो है पहली अभिनेत्री है जिसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर जो है 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में आरंभ की गई दोपहर भोजन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील जो होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों को स्वास्थ्य पे सुधारना, ये भी इसका लक्ष्य है। बाल श्रम को रोकना, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो श्रम नहीं करेंगे। प्राथमिक विद्यालयों की उपस्थिति में सुधार करना, बहुत सारे बच्चे जो है खाने के लालच से ही सही स्कूल जो आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 है, ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उराव विद्रोह का नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन सी जो होता है
आंवला पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन आंवला नहीं है। तो सिट्रिक फ्रूट जितने होते हैं, संतरा हो गया, नींबू संतरा या फिर नाशपाती, सॉरी नींबू संतरा और जितने भी मौसमी इस तरह के फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व तो नागरिकों के लिए, तो नहीं ये गलत है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो सरकार के लिए होता है, कि इसमें कुछ निर्देश होते हैं कि सरकार को उसका पालन करना है। नेक्स्ट है, यह निषेधात्मक होते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि देखिए निषेधात्मक कुछ कुछ छोड़कर, अपवादों को छोड़कर मौलिक अधिकार जो है निषेधात्मक होते हैं, यानी कि सरकार ने मनाही किए, जैसे कि वो जनता के साथ भेदभाव नहीं करेगी इस तरह के, तो निषेधात्मक मतलब मनाही, तो सरकार को, जबकि इसमें जो है सरकार को यह आदेश दिया गया है कि करना है। नेक्स्ट है, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो यह सबको पता होगा कि यह सही है, ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और नेक्स्ट है, यह नागरिकों का अधिकार निर्धारित करता है, ये गलत है, मौलिक अधिकार नहीं है ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, और ये राज्यों को दिए गए निर्देश होते हैं कि सरकार जो है वक्ताने पर ये काम करेंगे, जैसे कि अभी हो गया UCC लागू करना या फिर गौ रक्षा, ये सब जो होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो वर्तमान समय देखिए, जब ये क्वेश्चन बना था उस समय 7 था, अभी 8 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? ये काफी जी है, भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान अभिगृहित करता है, सॉरी अभिगृहित किया गया था, तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अभिगृहित किया गया था, और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य है जिसे मनोनीत कर सकता है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? कला विज्ञान, बहुत सारे कैटेगरी दिए हुए हैं, कला विज्ञान साहित्य या समाज सेवा, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होने संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, संविधान के किसी हिस्से में संशोधन के लिए कितने तरीके का प्रावधान है? तो संविधान में संशोधन जो है 3 तरीके से हो सकता है। पहला आपको पता होगा, पहला में सामान्य बहुमत, दूसरा में हो जाएगा विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का भी समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। तो 3 तरीके से हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अपने लक्ष्य में, सॉरी कौन सा संविधान संशोधन अपने आप में इतना विस्तृत था जिसे एक लघु संविधान कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। इसमें जो है बहुत सारे चीज़ें हुई थी, जैसे कि उद्देशिका में जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था, उसके बाद मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, और भी बहुत सारे काम हुए थे, इसलिए इसे जो है लघु संविधान के रूप में ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित नामों को क्रम में सजाएं। तो राष्ट्रपति कौन कौन से राष्ट्रपति कब बने हैं? तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद कौन बने थे? राधा कृष्णन, तो पहला हो जाएगा पहले, उसके बाद बने थे तीसरे राष्ट्रपति हमारे कौन थे? जाकिर हुसैन, तो तीसरा, दूसरा में आना चाहिए 3, तो ये काट दीजिए और ये काट दीजिए। उसके बाद वी वी गिरी बने थे चौथे, वी वी गिरी, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? काफ़ी जी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो है पंचायती राज को अधिनियमित किया गया था। पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची इनमें से किस अनुसूची में है? तो ये जो है कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? एक मिनट, हाँ कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है भाग 11। 10 में जो है दल बदल है आपको पता होगा, 8 में भाषा संबंधित है, और 9 जो है भूमि सुधार। किस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का शक्ति किसको प्राप्त है? किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है उनके पास ये शक्ति है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में, और इसी के द्वारा जो है भूमि सुधार से संबंधित कानून जुड़े थे संविधान में 9वीं अनुसूची में। 9 है, आई मीन सॉरी, इसका मैंने थोड़ा गलत बता दिया। देखिए, पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, और ये जो है भूमि सुधार के लिए जोड़ा गया था, और इसमें जो भी चीज़ें शामिल कर दी जाती है वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि वो जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है, तो कब बंद करना पड़ता है? मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व। देखिए, मतदान समाप्त होने से, ध्यान रखिए, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व, तो 48 घंटे आप जोड़ लीजिए, 24 दुनिया 48 होता है ना, यानी कि
मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व। बिल्कुल रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। संविधान के अनुबंध 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के, ओहो, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपाल। ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप इसे एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए, आप एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो है लोक प्रशासन से संबंधित भी वीडियोस क्वेश्चन था जिसे मैंने बताया नहीं, तो मैं एक एक करके नीचे कर देती हूँ और उसके बाद मैं आंसर भी आपको दिखा दूंगी, आप एक बार देख लेना। तो चलिए मैं बता देती हूँ, प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? तो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, विकास प्रशासन के तत्व है? ऑप्शन डी, तीनों। वर्तमान में राज्य सरकार, राज्य एवं सरकार की भूमिका सिकुड़ने लगी, जिसका कारण क्या है? वैश्वीकरण। चौथा नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन सी है? जिला कोषागार। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसमें तीनों होगा आंसर। संघ में संघीय स्तर, सॉरी, भारत में संघीय स्तर है, संघीय स्तर पर कितने बजट है? तो देखिए पहले दो बजट था, आपको पता होगा रेल बजट और नॉर्मल जो बजट होता है वो, लेकिन अभी वर्तमान समय में एक हो गया है तो आंसर एक हो जाएगा, दोनों मर्ज हो गया है, रेल बजट और आम बजट, तो आंसर हो जाएगा एक। छठा हो गया। सातवां नंबर, भारत में बजट क्रियान्वयन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? पाँच प्रक्रियाएं हैं। संरक्षण नौकरशाही के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है चुनना है हमें, ध्यान रखिए आंसर जो है एग्जाम में इस तरीके से हाईलाइट कर लिया कीजिए वरना आप गलत सेलेक्ट कर देंगे। तो नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरशाही सरकार निरंकुशता का परिचायक होती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, कथन पढ़िए उसके बाद मैं इसका आंसर दे देती हूँ आपको। लोक प्रशासन, विकास प्रशासन लोक प्रशासन का ही एक अंग है, ये आंसर सही है। संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक सतर्क रखता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार दिव्याकृति सर ने बताया था कि प्रश्नकाल जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है, आंसर जो है जल्दी जल्दी देना पड़ता है इसलिए। नेक्स्ट है, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसे है? ये काफ़ी इजी है, न्यायालय को है, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। 24 मई 1997 को किसके सम्मेलन में प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के लिए कार्य योजना पर विचार किया गया था? तो आंसर मैं बता देती हूँ इसका, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्रियों के। इनमें से कौन सही है? तो 14 नंबर सवाल है, कौन सही है? आंसर हो जाएगा सी, लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का मुख्य वाहक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन। दीर्घकाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व सर्वोत्कृष्ट रहता है? तो दीर्घकाल में सबसे बेस्ट कौन सा होता है दोस्तों? लोकतंत्र। खुली सरकार अवधारणा की आवश्यक शर्त क्या है? तो खुली अवधारणा, इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप देख लेना, मैं ऑप्शन लास्ट में आपको दिखाऊंगी सारे आंसर। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? तो नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है कौन सा? जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शास्त्रीय विचारधारा के प्रति असंतोष के कारण व्यवहारवादी उपागम का उदय हुआ। भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, अच्छा यहाँ से तो मैंने बताया ही, तो इसका मतलब मैंने टोटल जो है 77 तक आंसर दे दिया है। आप देखिए, आप एक बार आंसर को जरूर से जरूर मिलान कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।